नमस्कार। अगर घरों में ट्रीज होंगे, पेड़, बड़े बड़े पेड़, तो इससे घर में जो है टेम्परेचर जो है वो डाउन रहेगा गर्मियों में, वो इससे हेल्थ भी अच्छी रहेगी लोगों की, पोल्यूशन भी कम होगा और एयर कंडीशनर की ज़रूरत कम पड़ेगी। अब जैसे कई बार टेम्परेचर जो है 45 से ऊपर पहुंच जाता है तो एसी भी काम नहीं करते, तो वहाँ पर क्या है कि एसी काम भी करेंगे और ट्रिपिंग करेंगे तो बिजली की बचत होगी। ज़्यादा ट्रीज होने से मानसून नॉर्मल रहेगा और मानसून टाइमली रहेगा और एकदम बरसात नहीं होगी, रिमझिम बरसात होगी, जैसे पहले होती थी ना 25-30 साल 40 साल पुराने, दिन भर बरसात चलती रहती थी मगर धीमी धीमी चलती थी। इससे टेम्परेचर डाउन रहेगा, फसलें अच्छी होंगी, बाढ़ कम आएगी, वाटर लॉगिंग कम होगी, लोगों का नुकसान नहीं होगा, सड़कें कम टूटेंगी। तो इन सब फायदों को देखते हुए सरकार को भी जनता का सहयोग करना चाहिए और जिन घरों में बड़े बड़े ट्रीज लगे हुए हैं उनको स्पेशल हाउस टैक्स में छूट दे। बाकी इस पर चर्चा होनी चाहिए, देखो शायद और भी अच्छे अच्छे कंसेप्ट निकले। मेरे दिमाग में एक कंसेप्ट आया कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे पेड़ लगाए जाएं, सिर्फ पौधे नहीं पेड़, बड़े पेड़, और जो लोग पेड़ लगाते हैं उनको प्रमोट किया जाए, क्योंकि इससे सबका फ़ायदा है, देश का भी भला है, जनता का भी भला है, बिजली की बचत है, मानसून नॉर्मल होगा, किसानों का भला है, सड़कों की जो है रखरखाव नॉर्मल रहेगा, सड़कें कम टूटेंगी, व्हीकल की जो है ब्रेकेज भी कम होगी, एक्सीडेंट कम होंगे, व्हीकल ख़राब कम होंगे, वाटर लॉगिंग नहीं होगी, लोगों के काम नहीं रुकेंगे, बहुत फ़ायदे हैं। इतने फ़ायदों को देखते हुए अगर थोड़ा बहुत हाउस टैक्स में छूट देनी भी पड़ती है, जिसके कारण लोगों को थोड़ा एक इंसेंटिव सा मिलेगा, तो शायद अच्छा ही रहेगा सौदा। सरकार सोचे, अच्छा लगे तो एक्शन में दे, चर्चा करके इसको लिया जाए। जय हिंद, जय भारत।